अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन फोर की एक्सरसाइज करेंगे कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इज़ अ ग्रुप ऑफ टू और थ्री लेटर्स। अब कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है? वो इज़ अ ग्रुप, एक ग्रुप होता है ऑफ टू और थ्री लेटर्स, दो लेटर्स का या फिर तीन लेटर्स का, ठीक है। तो जो ग्रुप होता है कॉन्सोनेंट का, जो ग्रुप होता है उसके अंदर वॉवल कोई नहीं होता, ठीक है। जस्ट वो कॉन्सोनेंट होते हैं, उनके अंदर वॉवल कोई नहीं होगा। अगर इनके दरमियान में वॉवल होता तो ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर नहीं होता। तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है उसके अंदर वॉवल नहीं होगा, और ये किसी भी वर्ड के स्टार्ट में भी कॉन्सोनेंट क्लस्टर हो सकता है और एंड पे भी हो सकता है किसी भी वर्ड के, ठीक है। अब ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर की एक और बात ये है कि जब हम इन लेटर्स को, इनमें हर लेटर की अपनी अपनी साउंड होगी। यहाँ पे मैंने लिखा है ईच कॉन्सोनेंट, हर कॉन्सोनेंट का जो लेटर है, ठीक है, हर ईच कॉन्सोनेंट कीप्स इट्स ओन साउंड्स इन द वर्ड। के हर कॉन्सोनेंट जैसे ये एस है, सी है, आर है, तो ये जो कॉन्सोनेंट का क्लस्टर है ये किसी भी वर्ड में इसका जो कॉन्सोनेंट का हर लेटर है, हर एक लेटर अपनी अपनी साउंड रखेगा, ठीक है। इसकी अपनी अपनी साउंड होगी, हम उस साउंड को बोलेंगे, अदा करेंगे किसी भी वर्ड में, ठीक है। इसमें कोई भी लेटर जो है कॉन्सोनेंट का वो साइलेंट नहीं होगा। इसमें कोई भी जो कॉन्सोनेंट का लेटर है वो साइलेंट नहीं होगा। इन सब की अपनी अपनी साउंड होगी जिसे हम अदा करेंगे, तो इसे कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। जैसे मैंने पहले बताया है कि किसी वर्ड के स्टार्ट में भी हो सकते हैं और एंड पे भी हो सकते हैं। जैसे ये देखें स्क्रैप, अब देखो सीन की साउंड भी आ रही है, सी का की साउंड भी आ रही है और आर की भी, स क रा, ठीक है। स्क्रैप, स्क्रैप, अब है स्क्रैच। तो तीनों जो लेटर हैं, तीनों जो कॉन्सोनेंट का क्लस्टर है जिसको हम एक साथ पढ़ रहे हैं, और इन तीनों की अपनी अपनी साउंड है जिसे हम अदा कर रहे हैं, और इन तीनों के दरमियान में कोई भी वॉवल नहीं है, तो इसे कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। स्क्रैप, स्क्रैच, ये देखें एस पी एल है। स्प्लैश, स प ला, ठीक है। अब हम तीनों की साउंड बोल रहे हैं, स्प्लैश, स्प्लैश। स्प्लेंडेड, स पी की साउंड भी आ रही है और एल की भी आ रही है, स्प्लेंडेड। एस पी आर है स्प्रे, स्प्रिंग। एस टी आर है स्ट्रेन, स्ट्रैप, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर है वो दो का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, या इससे ज़्यादा का भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सोनेंट क्लस्टर ये है। कॉन्सोनेंट क्लस्टर हम सिर्फ उन्हीं लेटर्स को कहेंगे जिनके दरमियान में एक तो वॉवल कोई नहीं होगा, और फिर वो जितने लेटर जो हैं कॉन्सोनेंट के साथ साथ होंगे उन सब की अपनी अपनी साउंड को हम अदा भी करेंगे, तो वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहलाएगा। इसमें कोई भी लेटर जो है वो, जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर है इसमें कोई भी लेटर साइलेंट नहीं होगा। अब रीड द गिवन वर्ड्स अलाउड अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट क्लस्टर। अब हमें ये वर्ड्स जो दिए गए हैं इन्हें पढ़ना है, और जो इसमें कॉन्सोनेंट क्लस्टर है उसको अंडरलाइन करना है। मैंने ये अंडरलाइन कर दिया है। जैसे जो देखें स्प्लिन, तो तीनों जो है एस पी एल है यहाँ पे, स्प्लिन, यहाँ पे स्क्रीन, स्ट्रा, स्क्रैप, स्प्रेन, स्ट्रीन, ठीक है। तो जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर था उनको मैंने अंडरलाइन, तीनों तीनों लेटर्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। रीड एंड प्रैक्टिस, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। ये टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में है। टीचर सानिया, हैव यू प्रिपेयर्ड योर स्पीच, हैव यू प्रिपेयर्ड योर स्पीच, क्या आपने अपनी तकरीर तैयार कर ली है। प्रिपेयर्ड तैयार करना होता है, स्पीच तकरीर। सानिया, क्या आपने अपनी तकरीर तैयार कर ली है। सानिया, यस मैम, जी मैम, बट आई नीड टू डिस्कस सम पॉइंट्स विद यू, लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं, लेकिन मुझे आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस करने की ज़रूरत है, मतलब बहस करने की ज़रूरत है, कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं। टीचर, ओके कम टू मी आफ्टर द क्लास, ओके कम, आना टू मी, मेरे पास, आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद मेरे पास आना। टीचर ने कहा कि क्लास के बाद मेरे पास आना। सानिया, श्योर मैम, ज़रूर मैं। आंसर दीज क्वेश्चंस, आंसर दीज क्वेश्चंस।
वाई डिड द बी वॉन्ट टू स्टिंग द पोएट, शहद की मक्खी शायर को क्यों काटना चाहती थी। इट्स सपोज, क्योंकि उसने फर्ज किया, इट्स सपोज दैट इट इज हिज रोज, के ये उसका नाक है। उसने क्या सपोज किया, फर्ज किया शहद की मक्खी ने कि ये उसका रोज है, उसका फूल है। इट्स सपोज दैट इट इज हिज रोज। वट वॉज द बॉय स्निफिंग, वट वॉज द बॉय स्निफिंग, लड़का क्या सूंघ रहा था, लड़का क्या सूंघ रहा था। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे इसका आंसर। द बॉय वॉज स्निफिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, फूलों की खुशबू, फ्रेग्रेंस खुशबू ऑफ फ्लावर्स फूलों की, लड़का फूलों की खुशबू सूंघ रहा था। रीड द गिवन इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, अब कॉन्सोनेंट ब्लेंड के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, अब कुछ कॉन्सोनेंट का जो ब्लेंड्स हैं वो किसी भी वर्ड के स्टार्ट में भी हो सकते हैं और एंड पे भी हो सकते हैं। यहाँ पर इनिशियल ब्लेंड्स हैं और यहाँ पर फाइनल ब्लेंड्स हैं। टू कॉन्सोनेंट्स कैन ब्लेंड, टू कॉन्सोनेंट्स, दो कॉन्सोनेंट को कैन ब्लेंड, ब्लेंड कर सकते हैं टुगेदर, एक साथ, मतलब उन्हें हम एक साथ उनका उनको ब्लेंड कर सकते हैं। टू मेक बनाने के लिए अ पार्टिकुलर साउंड, एक खास साउंड, एक खास साउंड बनाने के लिए हम दो कॉन्सोनेंट का ब्लेंड जो है वो बना सकते हैं। कुछ वर्ड के स्टार्ट में होते हैं और कुछ किसी भी वर्ड के एंड पे भी हो सकते हैं और स्टार्ट में भी हो सकते हैं। यहाँ जो इनिशियल ब्लेंड्स है, स्टार्टिंग में जो ब्लेंड है, और यहाँ पे फाइनल ब्लेंड्स है एंड पे, एस पी का और यहाँ पर पी एल का। स्प्रेड, देखो एस की साउंड भी आ रही है, पी की भी आ रही है। स्प्रेड, स्प्रिंकल, स्प्रिंकल, प्लांट, प्लेस, अब ये एंड पे है ब्लेंड कॉन्सोनेंट का। टेस्ट, रेस्ट, हैंड, सेंट, हैंड, सेंट। सर्कल द वर्ड्स विद इनिशियल एंड फाइनल ब्लेंड्स इन द गिवन सेंटेंसेस, अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें आपने देखना है कि जो कॉन्सोनेंट का ब्लेंड है वो किस वर्ड के स्टार्ट में है और किस के एंड पे है। अब ये देखो, प्लांट देखें आप, प्लांट, ठीक है, प्लांट, ये पी एल स्टार्ट में, अगर एंड पे देखें तो एन टी भी, इसकी साउंड को भी हम बोल रहे हैं, इसमें साइलेंट नहीं है एन टी, ठीक है। ये चलिए हम स्टार्टिंग वाला ले लेते हैं, प्लांट, यहाँ पे है स्मॉल एस एम, ठीक है, एस एम है यहाँ पे, यहाँ पे पी एल है, ये है स्पिन एस पी है यहाँ पे, और यहाँ पर है बेस्ट एस टी है, एस टी है यहाँ पे, और यहाँ पर है बिहाइंड, एंड वाला है एन डी बिहाइंड, यहाँ पर है प्लम्स, स्टार्टिंग वाला पी एल ले लेते हैं प्लम्स, ठीक है। अब ये कुछ ब्लेंड्स जो है वो स्टार्ट में है और कुछ एंड पे है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक, अब हमने ब्लैंक्स फिल करनी है, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पर, ये लेसन से रिलेटेड हैं और आप आसानी से इसे सॉल्व कर लोगे। द पोइम बी ऑन माई नोज इज रिटन बाय, जो पोइम है वो किसने लिखी है, आरवाइन एडवर्ड्स ने, ठीक है, ये आपको पता है। पोइम जो है बी ऑन माई नोज, बी शहद की मक्खी मेरी नाक पर, इज रिटन, लिखी है, किसने लिखी है, बाय आर वाइन एडवर्ड्स। द पोइम इज अबाउट अ बी, शहद की मक्खी के बारे में है पोइम। द पोइम इज अबाउट अ बी, द लिटिल बी वॉन्ट्स टू स्टिंग द पोइट्स नोज, शायर की नोज पर, लिटिल बी छोटी मक्खी जो है वो काटना, स्टिंग काटना चाहती थी। द लिटल बी वॉन्ट्स टू स्टिंग द पोइट्स नोज, द वर्ड टिफ राइम्स विद स्निफ, टिफ का जो राइमिंग वर्ड है वो क्या है, स्निफ। अब रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, अब इन वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ पढ़ना है। स्निफ सूंघना, टू स्मेल समथिंग, किसी चीज को स्मेल करना, किसी भी चीज की खुशबू लेना, ठीक है, स्निफ सूंघना, टू स्मेल समथिंग। टिफ झगड़ा, अ लिटल फाइट, छोटा सा झगड़ा, छोटी सी फाइटिंग। स्टिंग काटना, अ शार्प पेनफुल प्रिक, अ शार्प पेनफुल प्रिक, ठीक है, मतलब ये है कि दर्द के साथ तेजी से काटना। अब
आपको तकलीफ, मतलब वो दर्द के साथ, अ शार्प पेनफुल प्रिक, दर्द के साथ तेजी से काटना, स्टिंग काटना। अब रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स। अब यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स क्या है, हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। अब राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी जो एंडिंग साउंड है, एंड वाली जो साउंड है वो एक दूसरे से मिलती जुलती हो, तो उसे कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड। राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं उनकी जो एंड वाली साउंड होती है वर्ड्स की, वो एक दूसरे से मिलती जुलती, जैसे ये देखें, क्राउच आउट, स्निफ टिफ, स्निफ टिफ, और उनके स्पेलिंग भी जो है वो एंड पे एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। टेक द वर्ड्स दैट राइम्स। अब हमने उन वर्ड्स को टेक करना है जो राइमिंग वर्ड्स हैं, जिनकी जो एंड वाली साउंड्स है वो एक दूसरे से मिलती जुलती है, जैसे नोज रोज, नोज रोज, यहाँ पर है बी एग्री, बी एग्री, बी एग्री, देखो बी एग्री, री बी, एंड वाली साउंड जो है वो आपस में मिलती जुलती है, जैसे बी री, ठीक है, बी एग्री। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स। कुड आई टेक योर स्टोरी बुक, कुड आई टेक योर स्टोरी बुक, क्या मैं आपकी कहानियों वाली किताब ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। येस श्योर यू कैन, जी श्योर, बिल्कुल या यकीनन, ज़रूर, यू कैन, तुम ले सकते हो। मे नीड, मे रीड, सॉरी, मे आई रीड नाउ सर, क्या मैं अब सर इसे पढ़ सकती हूँ। येस प्लीज़, जी हाँ, बड़ी मेहरबानी, मतलब आपकी मेहरबानी होगी, ठीक है। मे आई रीड नाउ सर, सर क्या मैं पढ़ सकती हूँ। येस प्लीज़, जी बड़ी मेहरबानी। लर्निंग रीड द गिवन साइट वर्ड्स। अब हमने ये साइट वर्ड्स पढ़ने हैं, बसरी अल्फाज पढ़ने हैं, वेरी वेरी, बहुत, आस्क पूछना, आस्क होता है पूछना, केम आया, नाउ आर, देयर उनका, अवे दूर, लॉन्ग लंबा, आफ्टर के बाद, ठीक है। वेरी आस्क केम नाउ देयर अवे लॉन्ग आफ्टर। अब है नाउ राइट ईच साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स। अब ये जो हमने साइट वर्ड्स पढ़े हैं, अब ये जो बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, अब ये जो वर्ड्स हैं किस बॉक्स में फिट होते हैं, अब ये जो साइट वर्ड्स हैं किस बॉक्स में फिट होते हैं, मतलब किस शेप के साथ ये मिलते हैं, बिलोंग रखते हैं, बिलोंग करते हैं, हमने वहाँ पर ये लफ्ज़ लिखने, ठीक है। जैसे आप ये देखें, आस्क है, ठीक है, ए और एस, ए और एस, ये हम एक, मतलब इनकी जो सीक्वेंस होती है वो एक जैसी होती है, और के जो है वो थोड़ा ऊपर को जाता है, ठीक है। तो ये इस, ये जो ब्लॉक बने हुए हैं इसमें ये फिट आ रहा है, तो हमने यहाँ पे आस्क लिख दिया। अब ये देखें लॉन्ग, तो ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इनके मुताबिक, इनमें जो वर्ड्स सूटेबल हैं, ठीक है, इन शेप्स के मुताबिक हैं जो वर्ड्स, वो हमने इसमें लिखने हैं। आस्क लॉन्ग, देयर, अवे, वेरी, नाउ, केम, आफ्टर। जब आप ये वर्ड्स देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। हर लाइन में जिन वर्ड्स के स्पेलिंग करेक्ट हैं उन्हें हमने सर्कल करना है। यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है। यहाँ पर सपोज के स्पेलिंग ठीक है, सपोज, यहाँ पर क्राउच, और यहाँ पर स्टिंग, और ये स्निफ और फिक्ट जो स्पेलिंग ठीक है उनको मैंने टिक कर दिया है। प्रोनाउन सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स। प्रोनाउन सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स।
अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमने इन जुमलों को पढ़ना है और जो मुतबादल अल्फाज के इस्तेमाल का जायज़ा लेना है कि प्रोनाउन जो है वो हमने यहाँ पर हमने नाउन पढ़ने हैं, फिर उसके मुताबिक उसके मुतबादल जो प्रोनाउन आएगा उसे हमने यूज़ करना है। जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी से बात समझ में आएगी। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर क्या है, नूरा इज़ माई कज़न, नूरा इज़ माई कज़न, नूरा मेरी कज़न है। अब यहाँ पर लड़की का ज़िक्र है तो लड़की के साथ हम क्या लगाते हैं, शी लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर फीमेल का ज़िक्र है तो इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शी इस्तेमाल करते हैं। तो शी इज़ अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। यहाँ पर नूरा है तो यहाँ पर शी आएगा, शी इज़ अ गुड गर्ल। अब है आतिफ लव्स प्लेइंग, आतिफ खेलना पसंद करता है। तो अब आतिफ है, ये मेल है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। ही हैज़ अ बॉल, उसके पास एक बॉल है। अब सना एंड आमना आर फ्रेंड्स, सना और आमना फ्रेंड्स हैं, सहेलियाँ हैं। तो अब ये दो लोग हैं तो ज़्यादा के लिए हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, दे इस्तेमाल करते हैं। दे स्टडी टुगेदर, दे स्टडी टुगेदर, वो इकट्ठे पढ़ती हैं। ठीक है, सना और आमना दोस्त हैं या सहेलियाँ हैं, दे स्टडी टुगेदर, वो मिलकर पढ़ती हैं, वो इकट्ठे पढ़ती हैं। अब है रीता एंड आई, रीता एंड आई आर नेबर्स, रीता और मैं हमसाए हैं। वी गो टू द सेम स्कूल, हम सेम स्कूल में जाते हैं। अब रीता और मेरी बात हो रही है तो आप कैसे बात करोगे कि रीता और मैं, रीता और मैं हमसाए, रीता और मैं हमसाए हैं और हम एक ही स्कूल में जाते हैं। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, हम इस्तेमाल करेंगे वी गो टू द सेम स्कूल। अ रोज़ इज़ अ फ्लावर, अ रोज़ इज़ अ गुलाब एक फूल है, अ रोज़ इज़ अ फ्लावर, अ रोज़ इज़ अ फ्लावर, गुलाब एक फूल है। इट स्मेल्स स्वीट, इसकी खुशबू मीठी होती है, इट स्मेल्स स्वीट, इसकी खुशबू मीठी होती है। आई एम, ये रोज़ की बात हो रही है, ठीक है, तो इसके लिए हम इट इस्तेमाल करेंगे। आई एम उस्मान, मैं उस्मान हूँ। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। हेलो नूरा, यू आर अ गुड स्विमर, हेलो नूरा, हम नूरा के बारे में बात कर रहे हैं कि नूरा से कह रहे हैं, हेलो नूरा, यू आर अ गुड स्विमर, तुम एक अच्छी तैराक हो, स्विमर हो, ठीक है, कि तुम्हें अच्छी तैराकी आती है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउंस, प्रोनाउन आर वर्ड्स, प्रोनाउन जो है वो ऐसे अल्फाज होते हैं दैट रिप्लेस नाउंस, जो जिसे हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। और किस तरह से हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करना है, जैसे फीमेल के लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं और मेल के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा लोगों के लिए दे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपनी बात करें, जैसे वी का मतलब हम है, तो उसके लिए हम वी इस्तेमाल करेंगे जब अपने बारे में बात करेंगे। ठीक है, और आप किसी और के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो यू का इस्तेमाल करेंगे। फिर से देखें, प्रोनाउंस आर वर्ड्स, तो प्रोनाउन ऐसे अल्फाज हैं दैट रिप्लेस नाउंस, जो जिसे हम नाउन की जगह पर जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, नाउन की जगह पर लेकर आते हैं। तो उन्हें कैसे लेकर आने हैं, ये सेंटेंस पढ़कर आपको काफ़ी हद तक पता चल गया। अब चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमने ऊपर वर्ड्स पढ़े हैं तो उसी के मुताबिक हमने ये ब्लैंक्स जो हैं इनको फिल करना है। सादिया इज़ अ गुड गर्ल, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सादिया की बात हो रही है, सादिया इज़ अ गुड गर्ल, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, शी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने ये ऑप्शन दी हुई हैं कि ही इस्तेमाल करना है कि शी करना है, तो हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है, शी, शी ओबेज हर पेरेंट्स। ठीक है, सादिया है तो यहाँ पर हम शी लगाएंगे। माई ब्रदर इज़ वेरी नॉटी, यहाँ पर अब मेरे भाई की बात हो रही है, मेरा भाई बहुत शरारती है, तो ब्रदर के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मेल के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ही इस्तेमाल करेंगे, ही हैज़ मैनी टॉयज़। अब यहाँ आमना एंड असद आर प्लेइंग,
अब दो लोगों की बात हो रही है तो यहाँ भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दे आर कजन्स। द कैट इज़ हंग्री, बिल्ली भूखी है, तो कैट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जानवरों के लिए, बेजान चीज़ों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इट इस्तेमाल करते हैं। इट वांट्स टू ड्रिंक मिल्क। अब हैं उमेर एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, उमेर और मैं बेहतरीन दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो डैश प्ले फुटबॉल टुगेदर, हम इकट्ठे फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, वही आएगा। अब यहाँ पर हैं प्रोनाउंस एज ऑब्जेक्टिव केस, कुछ प्रोनाउंस हैं जो ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कि उनकी मफूली हालत जो है वो क्या होती है, इन प्रोनाउन की मफूली हालत क्या होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में इनकी पोजीशन या इनकी हालत क्या होगी, वो हमने बतानी है। रीड द सेंटेंस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन का इस्तेमाल यहाँ पे हम सीखेंगे। ही लाइक्स उमर, ही लाइक्स उमर, वो उमर को पसंद करता है, उमर लाइक्स हिम, उमर उसे पसंद करता है। अब ही ऑब्जेक्टिव केस में ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, हिम, ही हिम, ही के साथ हम क्या ये नहीं कहेंगे कि ही लाइक्स उमर, उमर को पसंद करता है, उमर लाइक्स हर, उमर उसे पसंद करता, हर तो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, और हिम मेल के लिए, लड़के के लिए। अब ही है यहाँ पर, तो ही ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, हिम, ही की क्या होगी, हिम, कि वो उसे पसंद करता है। शी लाइक्स निदा, वो निदा को पसंद करती है, निदा लाइक्स हर, निदा उसे पसंद करती है। अब शी की ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, हर, शी, हर, ही, हिम। इट इज़ अ टेस्टी डिश, इट इज़ अ टेस्टी डिश, आमिर लाइक्स इट। अब इट ऑब्जेक्टिव केस में भी इट ही होगा, ठीक है, इट, इट, आमिर लाइक्स इट, आमिर इसे पसंद करता है। आई लाइक सादिया, मैं सादिया को पसंद करती हूँ, सादिया लाइक्स मी, सादिया मुझे पसंद करती है। आई की ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, क्या पोजीशन होगी इसकी, आई की, मी, आई, मी। वी लाइक आमना, मैं आमना, हम आमना को पसंद करते हैं, आमना लाइक्स अस, आमना हमें पसंद करती है। और वी ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा, वी का अस, मफूली हालत हुई कि क्या होगी, अस। अब है यू लाइक हीरा, तुम हीरा को पसंद करते हो, हीरा लाइक्स यू, हीरा तुम्हें पसंद करते, यू और यू, यू जो है सब्जेक्टिव केस में भी यू ही होगा और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहेगा। दे प्ले विद वसीम, वो वसीम के साथ खेलते हैं, वसीम प्लेज विद देम, वसीम उनके साथ खेलता है। और दे के ऑब्जेक्टिव केस में या ऑब्जेक्टिव फॉर्म दे की क्या होगी, देम, दे देम। अब ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ये सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्टिव केस में, ये इनकी फाइली हालत है, ठीक है, ये इनकी फाइली हालत है और ये इनकी मफूली हालत है। ही, हिम, शी, हर, इट, इट, आई, मी, वी, अस, यू की यू ही रहेगी और दे देम। Use of is, am, are, fill in the blank using is, are, am को इस्तेमाल करते हुए हमने blanks को fill करना है। We use am, is, are with different pronouns, हम is, are, am को different मुख्तलिफ pronouns के साथ इस्तेमाल करते हैं। And pointing words और इशाराती जो अल्फाज हैं। In short sentences, छोटे जो हमारे मुख्तसर sentence होते हैं उनके साथ, टू डिस्क्राइब अ पर्सन, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। अब यहाँ पर है जैसे साद एक सिंगल पर्सन है, तो साद एक सिंगल पर्सन है, तो साद के साथ क्या आएगा, इज आएगा, साद इज अ हैंडसम बॉय, साद एक हैंडसम लड़का है। अब आई के साथ हमेशा एम आएगा, आई के साथ हमेशा एम आएगा, ना इज आएगा ना आर आएगा, ठीक है, आई के साथ हमेशा एम आएगा। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। अलीना एंड सीता, अब ये दो लोग हैं, जमा में बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। अलीना एंड सीता आर क्लासमेट्स। अब है दे ज़्यादा लोग हैं, तो क्या आएगा, दे आर कजन्स। आई एम 7 years old, आई के साथ हमेशा एम आएगा। दीज आर देयर क्रेयॉन्स, दीज आर देयर क्रेयॉन्स। अब शी सिंगल पर्सन है, तो यहाँ पे आएगा इज, शी इज अ गुड स्टूडेंट, शी इज अ गुड स्टूडेंट। राइट
राइट 3 to 5 सेंटेंसेस ऑन द गिवन टॉपिक्स. ये जो टॉपिक दिया गया है अभी एक शहद के वकी, इस पर आपने 3 या फिर 5 सेंटेंस लिखने हैं. इट इज़ अ बी, एक शहद की मक्खी है. इट लिव्स इन द गार्डन, ये बाग में रहती है. इट गिव्स अस हनी, ये हमें शहद देती है. इट ऑल्सो स्टिंग्स अस टू टीथ, ये हमें तंग करने के लिए काटती भी है. तो बस इतने ही सेंटेंस आपके लिए काफ़ी हैं. अब यहाँ पर इज़ आर एम को इस्तेमाल करते हुए हमने सेंटेंस बनाने हैं. आई एम अ ब्रेव बॉय, कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हो एम को यूज़ करते हुए. आई एम अ ब्रेव बॉय. दे आर फ्रेंड्स, शी इज अ गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की है. अब यहाँ पर है माई हाउस के बारे में चंद सेंटेंस आपने लिखने हैं. माई हाउस इज वेरी बिग, इट इज़ नीट एंड क्लीन, इट इज़ एयरी, इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल, इट हैज़ अ बिग हॉल. आई लव माई हाउस वेरी मच. हमने बहुत ही आसान सेंटेंस लिखे हैं. हमारी जो एक्सरसाइज है आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें. अल्लाह हाफिज़.